स्कूल शिक्षा विभाग आगामी सत्र 2019-20 के लिए जल्द ही शिविरा पंचांग जारी करने जा रहा है। इस बार पंचांग में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सरकार की ओर से इस बार सरकारी स्कूल पिछले सत्र में से 5 दिन बाद खुलेंगे। साथ ही स्कूलों में शुरू किए गए बाल सभाओं के कारण भी शिविरा पंचांग में फेरबदल संभव है। इस बार विभाग हर महीने होने वाली बाल सभाओं की जानकारी पंचांग में जोड़ने की मंशा बनाने में लगा है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि 19 जनवरी को बाल सभाओं का आयोजन हुआ, वहीं 9 फरवरी को राज्य भर में बाल सभाएं आयोजित हुई, लेकिन अब बाल सभाएं प्रत्येक महीने की अमावस्या को सार्वजनिक स्थलों पर करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही अन्य शनिवार को बाल सभाएं स्कूल में ही आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो बनाने का मुख्य जो काम है वो निदेशालय बीकानेर का है। उन्होंने जो मेरी जानकारी है उन्होंने शिविरा पंचांग को बना लिया है। शिविरा पंचांग में हम जो एक सुझाव दे रहे हैं निदेशालय को, ये दे रहे हैं कि जो बाल सभा का आयोजन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि जैसे जो 19 जनवरी से जयपुर ज़िले में स्टार्ट की गई थी और उसके बाद 9 फरवरी से पूरे राज्य में स्टार्ट किया गया, तो वो बाल सभाएं आयोजित एक तरह से सभी विद्यालयों में होने लग गई है।